Hi guys, can you all hear me? Hi guys, welcome to another fun session of Quarantunes presented by Seven Entertainment. आई होप आप सब सेफ हो और इन्जॉय कर रहे हो. और आज के गेस्ट का रिक्वेस्ट मुझे आ गया है. एक सेकेंड. सो वी हैव मैं हूँ वरुण और आपका आज का होस्ट और दोस्त क्वारंटाइन्स का. और हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं द यंग सेंसेशन ऑफ इंडिया मोहित गौर. मोहित भाई कैसे हैं आप? एकदम अच्छा वरुण भाई, आप कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया भाई. और भाई कहाँ हो आप? बॉम्बे में हो, जयपुर में हो? भाई मैं जयपुर में. अरे वाह, कैसे हैं जयपुर? बहुत प्यारी है भाई, और घर से बाहर निकलते नहीं है, तो वही दुनिया जो बचपन से देखी है उसी में जी रहे हैं, मॉम डैड भाई बहन के साथ में. बढ़िया. गाइस, बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मोहित. सो मोहित स्टार्टेड हिज करियर विद इंडियाज रोस्टा एंड ही वाज वन ऑफ द रनर अप्स. He is a songwriter, he is a poet, he is an actor, and obviously he is a lovely singer. भाई इतनी सारी चीजें कैसे कर लेते हो यार, हम एक चीज ही नहीं कर पाते भाई. बस यार, मतलब शुरुआत जो करी थी ना, ये समझ लो वो हमेशा मैंने राइटिंग से ही करी थी. मतलब हाँ. सबसे पहले मैंने पोएम्स लिखना शुरू किया था अपने लाइफ में, अगर लिखना लिखने की बात करो, इस फील्ड की बात करो तो सबसे पहले पोएम्स लिखता था. उसके बाद में गाने लिखने लगा. अब गाने लिखने लगा तो गाने लिखने के लिए उनको सुनाना भी पड़ेगा, तो सुनाने के लिए थोड़ा गाना पड़ता है, तो फिर गाना भी धीरे धीरे चलने लग गया. तो इस तरह से सारी चीजें हो गई. फिर एक दिन इन सबको पछाड़ के एक चीज हुई जिंदगी में कि एक फोन कॉल आता है और बोलते हैं कि एक चैनल वी का शो आ रहा है इश्क अनप्लग्ड, और हमको मेन लीड एक्टर के लिए आपका ऑडिशन लेना है. तो मैंने कहा देखो मैम, मैंने ना आज तक सिर्फ 8th क्लास में 5 मिनट का मुनीम जी का रोल किया था अपने स्कूल में, और उसके अलावा मैंने कभी कोई एक्टिंग का कुछ भी ए भी नहीं किया है. तो आप सोच लो कि मतलब वाकई में आपको चाहिए हूँ क्या मैं ऑडिशन देने के लिए, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है इसका. तो बोले आप आ तो जाओ एक बार ऑडिशन दे तो देख तो लो. फिर अपन ऑडिशन दिया, उसमें एक्टिंग में भी आ गए. वैसे अपना मेजर हमेशा हमेशा से राइटिंग और गाने बनाने में था. नहीं भाई, पर्सनली मैं आपके जो पोइट्री आप करते हो, मैं उसका ह्यूज फैन हूँ. मतलब भाई वो होता है ना, बोलते कि दिल पे छू गई, दिल पे छू जाती है. थैंक यू वरुण भाई, थैंक यू. और भाई बताओ, आई होप सब घर पे सेफ है, एवरीथिंग ओके? एकदम अच्छे हैं भाई, बहुत ही ज्यादा सही, और बड़े मजे कर रहे हैं इतने टाइम मतलब साथ में. अब क्या है, सब पहले जब छोटे थे तो ऐसा लगता है जैसे जब छोटे थे ना तो जो गर्मियों की छुट्टियों का टाइम होता था, जब ज्यादातर सब बच्चे और मॉम और डैड रात को काम से एकदम फ्री होके आते थे, तो उस टाइम का माहौल पूरे दिन भर चलता है अपने यहाँ पे. तो पूरे टाइम हम सब साथ में मूवीज देखते हैं, किसी दिन किसी एक की पसंद की, किसी दिन किसी की और की पसंद की, और फिर ऐसे मतलब एक दूसरे से लड़ते और हैं कि मतलब तेरी मूवी ज्यादा अच्छी थी या मेरी ज्यादा अच्छी थी, और इस तरह से. और अभी गाने वाने बना रहा हूँ मैं अपने. भाई गाने तो बनाओगे ही आप, मगर मुझे बताओ घर के काम कर रहे हो क्या? भाई मैंने मम्मी को ऑफर किया था ये बात कि माँ मैं आपकी, क्योंकि अभी सारी जिम्मेदारी उन पे आ गई है, तो मैंने मॉम को कहा था मॉम मैं आपकी बर्तन धोने में हेल्प कर सकता हूँ, खाना बनाना मुझे नहीं आता है, मुझे बस. भाई मगर मैंने तो सुना है आप, भाई मैंने तो सुना है आप तो फूडी हो. भाई मेरे को खाना बहुत पसंद है, लेकिन बनाने के मामले में एकदम मतलब जीरो हूँ मैं. एक चीज आती है वरुण भाई बनानी, एक नहीं दो चीज. एक तो नींबू पानी बढ़िया बना लेता हूँ मैं, और मैगी तो खैर है ही सदाबहार. लेकिन रिसेंटली कल की बात है वरुण भाई, कल पहली बार मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा तेरे को मैगी बनानी आती ना, चल मेरे को मैगी बनाकर खिला. और जब मैंने उनको मैगी बनाकर खिलाई, मेरे हाथ की स्पेशल बटर मैगी होती है वरुण भाई, तो है ना, वो स्पेशल मैगी जब मैंने खिलाई, मम्मी ने कहा कि बेटा मैंने इससे अच्छी मैगी आज तक नहीं खाई, सारी मैगी फेल है, तू अब से मेरा परमानेंट वो हो गया शेफ. जब मेरे को मैगी वाला बढ़िया. भाई भाई अभी चलो, हमारे इतने सारे व्यूअर्स भी आ गए हैं, सबको पहले हम रमजान मुबारक कर देते हैं.
आज से रमजान रमजान का पाक महीना आज से शुरू हुआ है। आई होप भगवान हम सबको, अल्लाह हम सबको ये जो हम फेस कर रहे हैं क्वारंटाइन और कोरोना वायरस से, हमको नॉर्मल लाइफ पे जल्दी ले आए। बिल्कुल भाई, और इसी बात पे भाई एक गाना जो आप चाहो, ठीक है, आपके फैन सुनना चाहें। तो पहले तो आप सब जितने भी अभी लाइव आ चुके हैं, निधि का मुझे मैसेज दिख रहा है, निसी एमएसडी, द पीएमक्यू, दीपक सिंह और यशिता गांधी, जितने भी लाइव हो अभी इस टाइम पे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अभी ये जो सॉन्ग है जो मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ, ये सॉन्ग नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, गौर की बात कि ये जो सॉन्ग मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये सॉन्ग नहीं है, ये एक कॉन्वर्सेशन है, बातचीत एक 12 साल की बच्ची और उसकी माँ के बीच की। अभी जो 12 साल की बच्ची है और माँ है, ये अपने जयपुर, मुंबई, दिल्ली किसी शहर की नहीं है, ये है एक छोटे से गांव की, वो गांव जहां आज भी मिट्टी से बर्तन धुलते हैं, रोटियां चूल्हे पे सिकती हैं, लोग बैलगाड़ी से सफर करते हैं। अभी जो 12 साल की बच्ची है ना, इसका बचपन में नाम कुछ भी रखा गया हो, इसने अब अपना नाम राधा रख लिया है। राधा, पूछिए क्यों? क्यों? अजीब प्रेम है, कृष्ण प्रेम, इतना गहरा प्रेम कि पूरे गांव को कह चुकी है, कान्हा जी तुम्हारे भगवान होंगे, मोरे तो सैया है सैया, और जिस दिन में मिलेंगे ना ब्याह कर लूंगी उनसे। अब इनके गांव से दूर एक शहर है माया नगरी, जहां पे इन दिनों एक बहुत बड़े मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ है। उस मंदिर के बारे में एक बात बहुत वायरल हो चुकी है, वहां पर हर सैटरडे को कान्हा जी स्वयं आते हैं और हर एक भक्त को मिलकर उससे बातें करते हैं, उससे मिलते हैं। ये बात जैसी राधा के कानों में पड़ी, उसने पोटली बांध ली और चल पड़ी माया नगरी की ओर। माँ ने पूछा कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, और हो गई कॉन्वर्सेशन शुरू। तो राधा कहती है, कृष्ण से जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया, कान्हा को जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया, कृष्ण को जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया, मोरे सैया, कान्हा को जाके कह दूंगी तुम हो मोरे सैया, मोरे सैया। अब माँ कहती है, माँ कहती रे पगली रे मिलते ना वो ठगती, रे दुनिया उसके नाम पे करती है काले काम, रे उस माया नगरी में, और धुरते है सारी नगरी रे बाबा पहन के असली, रे चोगा फिरते नकली दिल और काले मन की पोटली उस माया नगरी में, रख लेंगे मेरा पूरा ध्यान रे वो है मोरी सैया, मोरी सैया, बारी हूँ मैं तन मन और जान रे वो है मोरी सैया, मोरी सैया। माँ तू सुन ले पगली, मैं हो चुकी हूँ ठगली, है दुनिया उसने मेरी जिसके नाम सारे काम रे उस माया नगरी में, और धुरत है सारी नगरी तो मैं भी पहन के नकली, रे चोगा फिरूंगी असली रंग में रंग जाऊंगी शाम की उस माया नगरी में, और फिर कृष्णा को मिलके कह दूंगी ओ जी मोरे सैया, मोरे सैया, ब्याह करूंगी तो से शाम रे
तुम हो बोरी सैया बोरी सैया, कृष्ण को जाके कह दूंगी तुम हो बोरी सैया बोरी सैया, रख लेंगे मेरा पूरा ध्यान रे वो है बोरी सैया बोरी सैया। वाह भाई मजा आ गया, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा था खत्म क्यों हुआ यार, थोड़ा और एक दो मिनट चले तो मजा आएगा। थैंक यू अरुण भाई। अच्छा भाई, यू हैव कोलैबोरेटेड विद सो मेनी आर्टिस्ट, और आपने कितने सारे अलग दूसरे सिंगर्स हैं, दूसरे आर्टिस्ट हैं, यूट्यूब सेंसेशंस हैं, आपने कोलैबोरेट किया है, आपका फेवरेट कौन है, या एक कोई फनी एक्सपीरियंस शेयर कर लो हमारे साथ जो आपने कभी शेयर नहीं किया, कुछ तो लोगों को पता चले, कुछ तो फैंस को पता चले। तो वरुण मतलब अभी तक अपने एज सच कोलैबोरेशन ज्यादा नहीं किए, हालांकि मेरी इच्छा हमेशा से रही है कि मैं मतलब कोलैबोरेशन करूं, कुछ मेरे बहुत ही पसंदीदा आर्टिस्ट हैं, जैसे तो मैं बचपन से हमेशा ए आर रहमान सर को बहुत एडमायर किया है, मतलब जब मैं उनकी कॉम्पोजिशन सुनता था ना भाई, मतलब ये समझ लो मैंने उनसे उनकी वजह से मैंने म्यूजिक शुरू किया एक तरह से, जब मैंने उनके स्वदेश के गाने सुने, जब मैंने उनके रोजा के गाने सुने, जब मैंने उनके दिल्ली सिक्स का वो गाना, तो उनका मेरा फेवरेट है जो प्रसून जोशी जी ने लिखा है, वो है ना रहना तू तो भाई हो जाए भाई, हाँ? तो पूरा गाते हैं तो हो जाए ना यार भाई, इसकी कॉर्ड मुझे नहीं आती तो मैं आपको ऐसे ही गाकर सुनाता हूँ, है ना भाई, आपको कॉर्ड की जरूरत नहीं, असली कॉर्ड तो दिल में है भाई, आप खाली गाना शुरू करो एंड रहमान सर तक आवाज पहुंच जाएगी भाई, इतना पसंद है ना मुझे गाना, आपको आपने सुना है गाना? जी जी ऑब्वियसली सर, हाँ भाई मेरा सबसे फेवरेट, मतलब इसके जो लिरिक्स है ना, मतलब खासकर जो प्रसून जोशी जी ने जो लिखे हैं कि रहना तू है जैसा तू, थोड़ा सा दर्द तू, थोड़ा सुख, थोड़ा सा रेशम तो हम दम, थोड़ा सा खुरदुरा कभी तो अड़ जाए या लड़ जाए, या खुशबू से भरा तुझे बदलना न चाहूं, रत्ती भर भी सनम बिना सजावट मिलावट, न ज्यादा ना ही कम तुझे चाहूं, जैसा है तू मुझे तेरी बारिश में भीग जाना घुल जाना है, तुझे चाहूं जैसा है तू मुझे तेरी लपट में जलना राख हो जाना, कि यार इतने मासूम लिरिक्स की, रहना तू है जैसा तू, थोड़ा सा दर्द तू, थोड़ा सुकून, थोड़ा सा रेशम तू हमदम, थोड़ा सा खुरदुरा कभी तू अड़ जाए या लड़ जाए, या खुशबू से भरा तुझे बदलना न चाहूं, रत्ती भर भी सनम बिना मिलावट सजावट न ज्यादा ना ही कम तुझे चाहूं जैसा है तू, मतलब क्या गाना है भाई, इसकी कॉम्पोजिशन, इसके लिरिक्स, इसका म्यूजिक गजब, मतलब मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स में से एक है यार, ये परफेक्ट सॉन्ग है भाई, इट्स एन अमेजिंग सॉन्ग। और भाई मुझे ये बताओ, ये मोहित गौर टेडेक्स क्या है थोड़ा? अच्छा तो भाई अपने है ना, मतलब टेड टॉक मुझे ना बोलने का मौका मिला था है ना जयपुर में, दो बार मिला है मुझे वो अपॉर्चुनिटी, और मैं हमेशा टेक टॉक देखता था, तो मुझे यार बड़ा अच्छा लगता था कि यार लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं ना, बहुत अच्छे से बातें करते हैं, एकदम अच्छे तरीके से, और मैंने जब मेरे को ऐसे अप्रोच किया तो मैंने कहा भाई मैं ना बोलने में एकदम वो हूँ, एकदम देसी मामला है अपना बोलने में, अपन वो जो करते ना प्रोफेशनल, उस तरह से मेरे से होता नहीं है, मैं कहानियां सुना सकता हूँ, अपने गाने सुना सकता हूँ, तो वो बोलते हैं आप यही कर दो, आप अपनी कहानियां अपने गाने सुना दो, तो मेरी जो रिसेंट एक टिकटॉक हुई थी जो मैंने अपने आईसीजी कॉलेज जयपुर में उसमें करी थी, तो उसमें उसका टाइटल ये था टू स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ, तो बेसिकली मेरे जितने भी गाने मैं बनाता हूँ ना, जितने भी लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ अरुण भाई, उन सब गानों के पीछे ना कोई स्टोरी होती है, कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई पर्सन होता है मेरी लाइफ का जिसकी जो मुझे इंस्पायर करता है कि उस पर सॉन्ग बनाने के लिए, तो मेरे दो गाने थे इसमें, उनमें से एक मैं आपको सुनाऊंगा, आपको और सबको, उस सॉन्ग का नाम है अरे ओ सुकून। ओके
तो भाई हुआ क्या था, 2014 की बात है ना, 2014 दिसंबर के सेकंड वीक की मान लो जी। मैं 2014 जुलाई तक जयपुर में था, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा था, है ना। राइट। एकदम से मेरे पास एक शो का इनविटेशन आता है, मतलब ऑडिशन आता है बेसिकली, इंडियाज रॉ स्टार का, जो स्टार प्लस पे आया था 2014 में, जिसमें हरी सिंह जस्ट थे। उसका ऑडिशन का ऐसा आता है, मैं उसमें ऑडिशन देता हूँ, सेलेक्ट होता हूँ फर्दर राउंड्स के लिए, और उसके एंड फिनाले तक जाते हैं हम, और मैं सेकंड रनर अप बनता हूँ शो का जी। तो भाई मेरा ना हमेशा से सपना था वरुण भाई कि मुझे ना म्यूजिक करना है। मतलब सपने तो खैर बहुत सारे हुए लाइफ में, सबसे पहला सपना था जब मैं फर्स्ट क्लास में था, मुझे याद है मैं पायलट बनना चाहता था, और पायलट ऐसा बनना चाहता था कि मुझे बस पता था कि प्लेन में दो खिड़कियां होती हैं सामने की तरफ, कि खिलौने में वैसी दिखती है ना, तो दो खिड़कियां होती हैं सामने की तरफ, एक में मैं बैठना चाहता था और एक में मेरी हिंदी की टीचर थी सरिता मैम, उनको बिठाना चाहता था। तो मैं उनको ये कहता था, मैम मैं आपको बिठाकर लेकर जाऊंगी, आप मेरे फेवरेट टीचर हो। तो पहला सपना पायलट, दूसरा सपना डॉक्टर, फिर तीसरा सपना एस्ट्रोनॉट, फिर साइंटिस्ट, फिर बायोटेक्निशियन, ऐसे करके बहुत सारे सपने देखे, लेकिन एक सपने बदलते गए। हाँ, जो बहुत कायम रहा है ना इस बदलते हुए सपनों के दौर में, जो एक सपना बड़ा कायम रहा वो था म्यूजिक करने का अपनी लाइफ में। कैसे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, कभी कुछ ऐसे फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली ज्यादा, और ना मुझे ज्यादा आता है, बस ये पता था कि यार जो भी महसूस करता हूँ उसको लिख सकता हूँ, उसको लिखना पसंद है मुझे, उसको बनाना, गाने के थ्रू एक्सप्रेस करना पसंद है मुझे। तो उस शो के जरिए अपन जाते हैं मुंबई, सपनों की नगरी, अपने पहुंचते हैं वहां पे, और ये शो मिलता है, बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारी वो चीजें मिलती हैं जो शायद सोची थी और शायद सोच से काफी परे थी। राइट। तो ये जो सोच से काफी परे वाली चीजें थी ना भाई, इन्होंने ना एक चीज को, या यूं कह लो मेरे एक दोस्त को ना मुझसे बड़ा दूर कर दिया, वो था मेरा बेस्ट फ्रेंड सुकून, जो तब था जब ये सब नहीं था। तो मुझे ना उसकी बड़ी याद आ रही थी, मैं जस्ट अपने बिस्तर से उठा ही था सुबह, देखता हूँ फोन पे काफी सारे मिस कॉल्स हैं और बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे काम की अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा लगता है यार सब है लेकिन वो सुकून कहाँ है जो तब था जब कुछ भी नहीं था मेरे पास में, वो आराम से दोस्तों के साथ बस बैठना, या किसी के साथ भी नहीं बैठना, बस आसमान को तकना, तारों को देखना, मुझे बड़ा पसंद है ये सब। तो ना वरुण भाई, तो उस दोस्त की याद में मैंने लिखा था कि अरे ओ सुकून, मन ये मन तू है लापता, दरिया सदल ढूंढे तुझे डूबा कहाँ, अरे ओ सुकून, मन ही मन तू है लापता, दरिया सदल ढूंढे तुझे डूबा कहाँ, पहले तो यारी थी बातें कही सारी थी, सब कुछ देखकर खुद को लेकर गया, मिट्टी तेरी दिलदारी थी, अरे मन ही मन
दरिया सद ढूंढे तुझे डूबा कहां, सब छीन लो मुझसे भले, वाह भाई अमेजिंग, थैंक यू, क्रेजी था एकदम एकदम क्रेजी, थैंक यू। अच्छा अच्छा भाई हमें बताइए कि गाना पोइट्री ये सब तो आप करते हो, और क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? अभी इतना टाइम जो हमें मिला है, लॉकडाउन 1.0 लॉकडाउन 2.0, इसमें क्या किया आपने और क्या करते हो? तो भाई मतलब मुझे ना, हम मूवीज देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉम डैड भाई बहन हम सब मिलके मूवी सेलेक्ट करते हैं और मूवीज चुनते हैं, हर दिन एक किसी एक की पसंद की मूवी चलती है घर में, तो वो देखते हैं। उसके अलावा मुझे तारे देखना बड़ा पसंद है, मतलब आसमान निहारना बचपन से मेरी एक हॉबी सी रही है, तो मैं आसमान निहारता हूँ, तारे देखता हूँ और मेडिटेशन करता हूँ। मुझे कुछ 15 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए, तो उसमें मेरा काफी टाइम जाता है मेडिटेट करने, उसमें आपको आपको अपना सुकून मिलता होगा। हाँ भाई गजब, मतलब बता नहीं सकता क्या मिलता है उस वाले टाइम में, मेडिटेशन वाले टाइम में। तो इस तरह से मेरा मतलब मेजर टाइम का हिस्सा चला जाता है। और एक मैं गेम भी बड़ा खेलता हूँ भाई, मुझे बड़ा पसंद है एक मैं क्या कॉमिक्स का ना बचपन से बड़ा शौक है मेरे को, तो मार्वल आप जानते हैं मार्वल कॉमिक्स, तो मार्वल का एक गेम है मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस करके, तो वो मैं मतलब मैं थोड़ा बहुत वो भी खेलता हूँ, तो मेरे को बड़ा पसंद है भाई वो मार्वल के सुपर हीरोज वगैरह का। अपन को क्या बड़ा शौक रहा है बचपन से, जब भी पॉकेट मनी आती थी ना भाई, मतलब जैसे मेरे भाई बहन जो थे ना वो तो उसकी क्या चॉकलेट खा लेते थे या उड़ा लेते थे, मैं क्या एक एक रुपया इकट्ठा करता था, फिर उससे लाता था स्पाइडरमैन या बैटमैन के फिगर्स, सुपरमैन के एक्शन फिगर्स और इस तरह के, मतलब सुपर हीरो की क्या है, इन सब चीजों में बड़ा शौक रहा है मेरे को यार बचपन से। बढ़िया भाई, मेरे पास आपके लिए दो टास्क है, बताओ ना, मतलब दो सिचुएशन मैं आपको दूंगा, ठीक है, उसमें उसमें कुछ मस्ती करते हैं, इसमें आपको या आप पोइट्री गा लो या आप कोई गाना गा लो, ठीक तो है। ये क्वारंटाइन के वजह से ऐसे काफी बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे को नहीं मिल पाते, बिल्कुल राइट। अभी जैसे आप जयपुर चले गए, आपकी कोई बॉम्बे में होगी राइट, तो आप क्या गाना डेडिकेट करोगे या उनके लिए कौन सा गाना या पोइट्री? हाँ मतलब जो दूर है ना जी, तो दूर है जैसे कोई अपने पेरेंट्स से भी दूर है, कोई अपने कोई भी रिलेशन हो सकता है जिससे हम प्यार करते हैं, तो ये दूर से तो ना भाई मुझे एक चीज याद आ रही है जी। एक मेरा सॉन्ग है रिसेंटली रिलीज हुआ है, उसका नाम है मैं हूँ वो पलक, राइट। हाँ ये तो ये साल में जो रिलीज हुआ है। हाँ तो है ना उसकी कुछ पोएम है ना, वो इस तरह से है कि कैसे हम कई बार जो अपने बहुत करीब जो लोग होते हैं ना उनसे दूर रहते हैं पर काम ही करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी करें या जी। जो वो चाहते हैं ना वो उनको हम दे सके। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अभी आपका जो सबसे प्यार जो आपको करता होगा ना इंसान, वो चाहता होगा कि आप सेफ रहो, और आप सेफ कैसे रह सकते हो अपने अपने घरों में रह के एकदम लॉकडाउन का पालन करते हुए अच्छे से, तो वो कुछ भी चीज हो सकती है, हो सकता है आप उसके लिए कुछ गिफ्ट बना रहे हो या आप उनके लिए जॉब करते हो ताकि आप उनको मतलब यू नो प्रोवाइड कर सको, जैसे एक फादर होता है अपनी फैमिली के लिए या एक बच्चा होता है कि अपने पेरेंट्स से दूर शायद किसी और शहर और देश
और जगह पे जाकर काम करता है या पढ़ाई करता है ताकि सिर्फ अपने पेरेंट्स की विश पूरी कर सके। तो अपन सब ना किसी के लिए उसकी वो विश होते हैं, उसकी वो पलक होता है, जैसे पलक आपसे टूटती है आप उससे विश मांगते हो ना, राइट। तो अपन सब किसी ना किसी के लिए ना उसकी लाइफ में उसकी वो विश होता है, उसकी वो पलक होता है। तो उसके लिए एक ये सॉन्ग है, इससे पहले एक पोएट्री है जो मेरे बड़े भैया अर्चित भैया ने लिखी थी। तो सॉन्ग मैंने लिखा है, मैंने बनाया है, पोएट्री अर्चित भैया ने लिखी है कि मैं दूर जाता हूं ताकि तू हंस सके, मैं पीछे खड़ा हूं कि तू आगे बढ़ सके, मैं कौन हूं तेरा ही हूं पर तेरे साथ नहीं, दूर से तुझे पूरा करूं मैं अधूरा रहूं पर तेरे पास नहीं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं हूं वो पलक जो तेरी मासूम सी आंखों से टूटे फिर गिरे और देखते ही हाथों की हथेली से सपने ले के वो तेरे उड़े, मैं हूँ वो पलक जो तेरी मासूम सी आंखों से टूटे फिर गिरे। तो ये अपना ऐसा सॉन्ग है। अमेजिंग भाई, दूसरी सिचुएशन, आज के डेट पे सारे हस्बैंड वाइफ एक ही घर में कैद है, बिग बॉस हाउस बन चुका है वो, ठीक है। तो अभी एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड से सारा काम करवाती है, ठीक है। अच्छा, तो उस हस्बैंड के हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या गाना डेडिकेट करेगा? मुझे वो याद आ रहा है। तो अभी अपने थोड़े दिन पहले ना वरुण भाई वो फिल्म देखी पीपली लाइव, पीपली लाइव देखी आपने? बड़ी कमाल की मूवी है, बड़ी कमाल की। तो उसका वो गाना एकदम से मुझे पता नहीं क्यों याद आया, हालांकि एग्जैक्टली सिचुएशन और बैठता नहीं है, लेकिन इतना गजब का गाना है ना वो, कि सखी सैया तो खूब ही कमाते है, वो सखी सैया तो खूब ही कमाते है, महंगाई डायन खाए जाते है, सखी सैया तो खूब ही कमाते है, महंगाई डायन खाए जाते है। पर इतना ही आता है मुझे यार। अरे भाई बढ़िया है भाई। और एक चीज बताओ, व्हाट इज योर फेवरेट जॉनर ऑफ म्यूजिक, आपको क्या अच्छा लगता है सबसे अच्छा? भाई मुझे सबसे अच्छा मतलब ऐसे स्पेसिफिक जॉनर नहीं है कि मुझे ये जॉनर ही पसंद है। बेसिकली मुझे ना बचपन से जरा मैंने हर जॉनर का म्यूजिक ना बड़ा सुना है, मतलब मुझे हर तरह का म्यूजिक हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, चाहे रोमांटिक हो, चाहे मेटल हो, चाहे फोक हो, चाहे सूफी हो, हर तरह का ना मुझे म्यूजिक बड़ा हमेशा से अट्रैक्ट करता था। और मुझे धीरे धीरे ऐसा लगा, फील हुआ कि हर एक मूड के हिसाब से ना एक अलग तरह का सॉन्ग या अलग तरह का जॉनर आपको बड़ा वाइब कर सकता है आपके साथ में, आपके मूड के साथ में। तो फिर जिस टाइम जो मूड होता ना उस हिसाब से मैं वो जॉनर के गाने सुनता, और फिर जिस हिसाब से जो मूड होता उसी हिसाब के मैं गाने बना देता। तो अपन ने मतलब थोड़े रोमांटिक भी बनाए अपन ने, थोड़े गुस्से वाले भी बनाए अपन ने, हर तरह के गाने बनाए, हर तरह की फील, हर तरह के इमोशन पे। तो मेरा मतलब वो तो पता है आपने तो केक के ऊपर भी गाना बनाया। हाँ, अरे वो कपकेक तो वरुण भाई भाई उसके बाद में आएंगे, उसके बाद में आएंगे, उसके बाद में आएंगे। ठीक है वो मैंने लास्ट के लिए रखा है, मीठा हमेशा लास्ट के लिए। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट जा रहे हो जी। तो भाई मेरा तो मतलब सारे जॉनर्स मेरे फेवरेट है, लेकिन एक ऐसा लगता है मुझे मतलब जो शायद सबसे ज्यादा अगर दिल के करीब हो, मतलब मुझे जॉनर नहीं कहेंगे उसको बेसिकली, लेकिन मुझे ना वो गाने बड़े पसंद है जिनके पीछे कोई वजह होती है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ज्यादातर जो गाने बनते हैं अपने बॉलीवुड में वो ज्यादातर एक फिल्म की सिचुएशन पर होते हैं। तो आपको एक सिचुएशन दी जाती है, उस पर आपको लिखना और बनाना, कॉम्पोज करना पड़ता है। मुझे वो गाने बड़े अट्रैक्ट करते हैं जो जिन जैसे जो बेसिकली जो सॉन्ग राइटर्स होते हैं ना, या जो
उनके साथ में कुछ हुआ होता है वो उसके ऊपर गाना बनाते हैं, वो थोड़ा कमर्शियल से ज्यादा वो थोड़ा सोल वाला होता है, वो दिल के करीब होता है, उसमें क्या मिलावट कम होती है, उसमें वो होता है कि जो जो उसने देखा, जो उसने महसूस किया, जिस तरह से उसने जिंदगी को छुआ, उसने वो उतार दिया कागज पे, कलम पे, जो भी जिस भी तरह से। तो इस तरह से मेरे बहुत फेवरेट, जो एक जो मेरे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट है ना वो है डेमियन राइस। आपने सुना है इनके गाने डेमियन राइस के? नहीं भाई, सॉरी। तो भाई आप डेमियन राइस को सुनना। रिसेंटली ही मैं उनको सुनना शुरू किया था, बेसिकली मुझे भी कुछ 7-8 महीने हुए हैं, लेकिन वो जी तब से मेरे सबसे फेवरेट सिंगर बन गए, सबसे फेवरेट सिंगर सॉन्ग राइटर, क्योंकि वो उनकी लाइफ में जो होता है ना वो उसके ऊपर गाने लिखते हैं। उनका एक सॉन्ग है चीयर्स डार्लिंग, वो आप जैसे जब भी आपको आज टाइम मिले ना भाई, मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, आप वो जरूर सुनना। भाई आप दो लाइंस क्यों नहीं गा के सुना देते यार? यार वो इंग्लिश है ना, और मेरी क्या इंग्लिश थोड़ी सी वैसी है, और उसके कॉर्ड्स भी अजीब सी है, मैं कोशिश करता हूं एक बार। ट्राई तो करते हैं भाई। Cheers, darling. It's to you and your lover boy. Cheers, darling. I got ears to wait around for you. And I cry when I see her. ऐसा करके कुछ है। मैं बेसिकली इसकी स्टोरी बताऊं आपको, मेरे को इसकी स्टोरी ऐसी टच करी थी ना, तो बेसिकली आयरिश आयरिश सिंगर सॉन्ग राइटर हैं वो, आयरलैंड के हैं। तो वो एक दिन एक बार बार जो होता है ना उससे निकल रहे होते हैं, और बारिश हो रही होती है उस टाइम पे, तो वो किसी लेडी से टकरा जाते हैं, मतलब बाहर निकलते टाइम पे। तो जब वो टकरा जाते हैं तो वो गलती से वो लेडी गिर जाती है, फिसल जाती है बारिश में, उनकी चीजें गिर जाती हैं, तो वो बड़ा उनको अफसोस होता है कि यार यार मेरी वजह से वो आपके कपड़े खराब हो गए, आपकी चीजें खराब हो गई, और वो लेडी उनको बुरी बार गालियां बोले जा रही हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, व्हाट द हेल, और ये सब वो सब उनको बुरा भला बोले जा रही है। बेचारे डेमियन राइस उनको मतलब टिश्यू पकड़ा रहे हैं, अपना रुमाल पकड़ा रहे हैं कि आप प्लीज, आप आई एम रियली रियली सॉरी, और मेरी ये गलती हो गई, मुझे प्लीज आप माफ कर दीजिए, ये लीजिए हैंडकरचीफ ले लीजिए या जो भी है जिससे आप साफ कर सकते हैं अपना जो आपके दाग लगे हैं इस तरह से। तो अब वो कहते हैं डेमियन राइस उनको कहते हैं कि ऐसा कीजिए, मैंने आपके साथ ना मेरी वजह से गलती हो चुकी है, मैं अब आपको ड्रिंक पिलाऊंगा, मतलब मेरी तरफ से ही मैं आपको ड्रिंक ऑफर कर रहा हूँ, तो आप प्लीज मेरी ये बात मान लीजिए, लेट मी यू नो गिव यू अ ड्रिंक, लेट मी क्या कहते हैं उसको, ऐसे लेट मी बाय यू अ ड्रिंक। ओके, आपने ऐसा कभी किया नहीं है तो मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, किया तो होगा भाई, अभी बता नहीं रहे हो आप। नहीं भाई मैं क्या पीता ही नहीं हूँ यार, मतलब ना मैं अपने को ना मैं सिगरेट पीता हूँ ना मतलब अल्कोहल पीता हूँ, तो अपने क्या मेडिटेशन के बहुत ही शानदार नशे में रहते हैं अपन, तो अपन जरूरत ही नहीं लगती और किसी चीज की। तो है ना भाई फोन कहते लेट मी बाय योर ड्रिंक, तो जाते हैं उनको अंदर ले जाते हैं बाहर में, और उनको बिठाते हैं, उनको जबरदस्ती ऐसे मतलब रिक्वेस्ट कर करके एक वाइन का गिलास खुद के लिए, एक वाइन का गिलास उनके लिए, और ऐसे करके उनसे बातें करते हैं, है ना, बातें करते हैं, और फिर मतलब रात और गहरी होती जाती है, धीरे धीरे पूरा बार खाली होता जाता है, और उनकी ड्रिंक्स चलती रहती हैं, कभी एक गिलास वो फिर एक गिलास उनके लिए, साथ में वो बहुत सारी बातें करते हैं, और धीरे धीरे डेमियन राइस को ना वो जो लेडी होती है वो पसंद आने लग जाती है। तो अब जब एकदम लास्ट टाइम आता है, जब बार क्लोज करना होता है, तो जो वेटर होते हैं वो कह देते हैं कि सर ये आपका लास्ट ऑर्डर रहेगा, आप जो भी है आप ऑर्डर बता दीजिए, उसके बाद हम क्लोज करेंगे बार। और उस टाइम तक डेमियन राइस को पता होता है कि जो उस एरिया से लास्ट जो बस है ना जो उनके उस लेडी के एरिया में जाती है उनको छोड़ने के लिए, वो बंद हो जाएगी जी। तो अब डेमियन राइस को लगा कि अब वो ना चल के उनको ड्रॉप कर सकते हैं वहां पे, यू नो, और स्पेशल टाइम स्पेंड करने को मिल सकता है, क्योंकि उनको पसंद आने लगी थी वो। तो फिर है ना वो लास्ट ड्रिंक लेते हैं, और लास्ट ड्रिंक के बाद में उनसे पूछते हैं कि अब तो आई थिंक तुम्हारी लास्ट बस जा चुकी है, तो शुड आई ड्रॉप यू एट होम, तो कहते हैं कि नहीं माय बॉयफ्रेंड इज कमिंग टू पिक मी अप। ये तो मतलब ट्रेजेडी हो गई। हाँ, उनका दिल एक तो मतलब टूट सा जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया, मतलब मेरे को तो कोई पसंद आ रहा था और मतलब ऐसा हो गया। तो फिर वो उनको कुछ, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई बार भी बंद हो गया क्या बार भी बंद हो गया बार भी बंद हो गया
तो उन्होंने क्या कहा, जब उनका बॉयफ्रेंड आ गया उनको लेने के लिए, और तो उन्होंने उनको एक सिगरेट दी जाते जाते कि आप ये सिगरेट आप स्मोक करते रहना, सफर में काम आएगी आपके लिए, वो उन लेडी ने डेमन राइस को दी। और फिर डेमन राइस ने एक टिश्यू पे, बार के टिश्यू पे कुछ ये गाना लिखा, चीयर्स डार्लिंग, हियर्स टू यू एंड योर लवर बॉय, चीयर्स डार्लिंग, इस तरह से कुछ उनका गाना लिखा। ये तो अभी सुनना पड़ेगा, मतलब भाई बहुत तगड़ा गाना। और जो वो परफॉर्म करते हैं ना जिस इंटेंसिटी से, मतलब क्रेजी इंटेंसिटी भाई उनकी। एड शीरन है ना, एड शीरन, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि डेमन राइस मेरे आइडल थे, मैं उनकी वजह से मैं सॉन्ग राइटिंग मैंने स्टार्ट करी है, उनको उनसे इंस्पायर हो गए। तो डेमन राइस इतने कमाल के आर्टिस्ट है, बहुत ही कमाल। बढ़िया भाई, सुपर, थैंक यू फॉर दैट। और भाई अभी आते हैं हम प्रियंका चोपड़ा के फेवरेट कपकेक पे, है ना। मैंने सुना है प्रियंका चोपड़ा का फेवरेट कपकेक जो आपने बनाया था वो है भाई, तो इसकी स्टोरी बताइए भाई। भाई ये जो गाना है ना, ये तो ये मैंने बहुत साल हो गए इसको लिखे हुए, शायद तक 2012 या 13 में लिखा था मैंने सॉन्ग। आई थिंक 2017 में तो रॉस्टर पे भी तो आया था ये गाना, रॉस्टर 2014 में आया था। अच्छा हाँ करेक्ट, इसका वीडियो 2017 में लाए थे आप। हाँ तो है ना, मतलब हाँ 2017 में मैंने कपकेक का एक और वर्जन करके अपना वीडियो लाया था, हाँ, जो बहुत क्यूट सा है। हाँ उसमें वो एनिमेशन है ऐसे राजीव जी फिगर्स का जी। तो तो भाई अच्छा, तो जो इसकी स्टोरी है ना, एकदम रियल स्टोरी है, और मैं आपको पोएट्री के फॉर्म में सुनाऊंगा इस गाने की स्टोरी, ठीक है जी। डन भाई। कि एक लड़की थी जिस पे क्रश करता था, देख ब्लश करता था, और क्या करूं, नाम उसका था आयुषी, डर लगता था सहमरश करता था, कि क्या कहूं, फिर उससे बात होने लगी तो दिल दीवाना होने लगा, और बढ़ रही थी दोस्ती, और बस यूं ही हंसी खुशी मैं उसको कहने लगा, पूछो क्या क्या, कि रात को जो तू ख्वाब ले मैं ख्वाब दूं, मखमली सी रेशमी सी आवाज दूं, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में मिलाव हो, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कहले कुछ तू मेरा कप केक है, रात को जो तू ख्वाब ले ख्वाब दे, मखमली सी रेशमी सी आवाज दे, जिसको सुन के तेरी नींद को आराम हो, जैसे मैं के तेरे पास में गुलाब हो, कहती जिंदगी में आया कैसा क्रेक है, कहले कुछ तू मेरा कप केक है। वाओ भाई, आयुषी कौन है भाई? आयुषी मेरा क्रश थी कॉलेज के टाइम पे, मतलब तो उसको मैं प्यार से कपकेक, मैंने उसका निकनेम रखा था, तो ये सॉन्ग मैंने उसके लिए बनाया था, ये वाकई में मुझे ऐसे कहती थी क्या भाई आपने इतना अच्छा गाना गाया, कपकेक मिल नहीं रहेगी इधर भाई, मतलब क्या कहूं, मतलब बहुत सॉरी, आप उसकी स्टोरी बोल रहे थे। हाँ आयुषी की स्टोरी मुझे जाननी है। बहुत ही स्वीट पर्सन है आयुषी, लेकिन अब हुआ क्या कि जब मुझे उस पर क्रश हुआ तो मुझे खुफिया सूत्रों के अनुसार खबर मिली कि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है और वो कमिटेड रिलेशनशिप में पिछले 6 सालों से, तो मैंने कहा कि यार गलत जगह भाई, अपन यहाँ से तो पीछे हट लो, लेकिन क्योंकि वो बहुत स्वीट इंसान है तो मैंने कहा कि मैं उसको दोस्त की तरह तो जिंदगी भर रखूंगा। तो फिर हम बहुत अच्छे दोस्त बने और हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं उसको प्यार से कपकेक कहता हूँ, इसलिए मैंने उसके लिए ये सॉन्ग बनाया था कपकेक। अमेजिंग भाई, सुपर। और भाई आपके जो व्यूअर्स हैं, आपके फैंस हैं, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? तो मैं आप सब से यही कहना चाहता हूँ यार कि आप सब थोड़े ध्यान रखना यार, थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना, और बस थोड़े दिनों की बात है, ये भी कट जाएगा ये समय भी, और अपने फैमिली का सबका ध्यान रखना, जल्दी फिर से मिलते हैं, और
मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ अभी इस क्वारंटीन के लिए. आई होप वो जल्दी पूरा हो जाए तो मैं आप सबको जल्दी अपडेट करूंगा वो प्लान क्या है, लेकिन बड़ा मजा आने वाला है. सुपर भाई, भाई थैंक यू स्पेशली फॉर डूइंग दिस एंड यू नो कमिंग ऑन क्वारंटीन्स एंड वी थैंक सेवन एंटरटेनमेंट फॉर यू नो गेटिंग अस टुगेदर एंड थैंक यू भाई वंस अगेन फॉर डूइंग दिस एंड गाइस स्टे होम स्टे सेफ भाई, आप भी स्टे होम स्टे सेफ. बिल्कुल अरुण भाई. जी भाई थैंक यू सो मच भाई. थैंक यू सो मच अरुण भाई. थैंक यू.